जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर कहा कि सूबे में अधिकारियों के बच्चे बिहार के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। आप ही बताएं कि कौन सा अधिकारी बीमार पड़ता है तो सरकारी अस्पताल में जाता है। बिहार में जो शासन है वो नेताओं का शासन है, उनके लिए अच्छा राज है। अगर लालू यादव की तबीयत खराब हुई तो वह सिंगापुर के हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराते हैं। बिहार के समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार में 5 लाख से अधिक लोगों को वही किडनी की बीमारी है। कितने लोगों में इतनी ताकत है कि वो सिंगापुर में इलाज कराने जा सकते हैं। लालू यादव की चिकित्सा सबसे बड़े अस्पताल में होनी ही चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार में सामान्य लोगों के इलाज के लिए भी अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। वही हाल पढ़ाई का है। जो लोग व्यवस्था को चला रहे हैं उनके बच्चे न यहाँ पढ़ते हैं और उनके घर में जब कोई बीमार हो जाए तो क्या वे यहाँ के अस्पताल में इलाज कराएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को अगर अपना इलाज कराना हो तो वह भी दिल्ली के एम्स अस्पताल में जाकर इलाज कराएंगे। बिहार की एम्स पर जब उनका भरोसा नहीं है तो बिहार की जनता का भरोसा सरकारी अस्पतालों पर कैसे होगा। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो भैया ये बताइए कौन सा अधिकारी बीमार पड़ता है तो बिहार के अस्पताल में जाता है। भाई ये जो बिहार में शासन है ये तो नेताओं का शासन है, उनके लिए अच्छा राज है। अगर लालू जी की तबीयत खराब हुई तो वो तो सिंगापुर के हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा रहे हैं। बिहार में 5 लाख से ज्यादा लोगों को वही किडनी की बीमारी है, कितने लोगों की इतनी ताकत है कि वो सिंगापुर जा सकते हैं। अब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लालू जी की चिकित्सा सबसे अच्छे अस्पताल में होनी ही चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार में सामान्य लोगों के लिए भी तो चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। वही हाल पढ़ाई का है। जो लोग व्यवस्था को चला रहे हैं उनके बच्चे ना यहाँ पढ़ते हैं ना उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो यहाँ के अस्पताल में जाएंगे। नीतीश जी को अगर अपना इलाज कराना हो तो वो भी दिल्ली एम्स में जाएंगे। तो बिहार में एम्स की पर जब उनका खुद का भरोसा नहीं है तो बिहार की जनता का क्या हालत होगा। आप बताइए, अभी हम पीछे यहाँ एक बहुत बड़ा गांव है आपके इलाके में दमौन, लोग बताते हैं कि भैया हम लोग तय करते हैं कि यहाँ पर विधायक कौन बनेगा मंत्री कौन बनेगा। मैं उस गाँव में जाकर रुका हुआ तो गाँव के लोगों से बातचीत में लोगों ने ये बताया कि हम ही लोग तय करते हैं कि यहाँ पर विधायक मंत्री कौन बनेगा। और वही गांव के लोग बता रहे हैं कि भैया 30 साल से हम लोग एक अस्पताल का मांग रख रहे हैं, वो आज तक नहीं बना। 50,000 की आबादी वाले उस गांव में 5 पंचायत है, 50,000 से ज्यादा की आबादी वाले उस गांव में एक सब सेंटर, एक अस्पताल नहीं है। 50,000 लोग वोट देने को तैयार हैं लेकिन अपने अस्पताल के लिए नहीं, जाति के लिए, धर्म के लिए, पैसे के लिए, जिस चीज के लिए भी, तो कैसे अस्पताल बनेगा भाई। दोष आपका और हमारा है, आप नेता को क्यों दोष दे रहे हैं।